मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया टुडे की तरफ से गलती से ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। अब ये खुलासा इतना बड़ा है कि शाहरुख खान और बाकी की बॉलीवुड लॉबी जो लगातार कोशिशें कर रही थी कि कैसे भी करके देश के सामने आर्यन खान को बेचारा साबित किया जाए और एनसीबी के समीर वानखेड़े को विलन जैसा दिखाया जाए, वो सारी की सारी कोशिशें अब धरी की धरी रह जाएंगी। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एक माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके मुताबिक शाहरुख खान, उनके एडवोकेट्स और बाकी के सभी बड़े बड़े स्टार्स मीडिया में और इंटरव्यूज़ में ये बता रहे हैं कि एनसीबी ने इलीगल तरीके से आर्यन खान को गिरफ्तार किया है। आर्यन खान ने ना तो पहले कभी ड्रग्स लिया है और ना ही कभी ड्रग्स की परचेज की है और जमकर एनसीबी को और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कोसा जा रहा है। अब ऐसे में समीर वानखेड़े और आर्यन खान के बीच की बातें जो कि काउंसलिंग के दौरान की गई थी वो सब बाहर आ गई है, जिसमें आर्यन खान ने खुद अपने मुंह से समीर वानखेड़े को बोला था कि ड्रग्स लेना मेरे से गलती थी, मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं ऐसा काम जेल से बाहर जाने के बाद दोबारा नहीं करूंगा, बाकी मैं उल्टा एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और मुझसे जितना हो सकेगा मैं कमज़ोर और गरीबों की मदद भी करूंगा। दरअसल ये सारी की सारी बातें 3 अक्टूबर के दिन की है, जिसका खुलासा आज के दिन इंडिया टुडे की तरफ से हुआ है। मतलब एक तरफ बाप अपने दोस्तों और वकीलों के साथ कोर्ट में ये साबित करने में लगा हुआ है कि एनसीबी ने मेरे बेटे को गलत आरोप में फंसा कर जेल में ठूस दिया है, तो वहीं उधर बेटा अपने किए हुए कुकर्मों को खुद सच सच एनसीबी के सामने कबूल करने में लगा हुआ है। मतलब देखा जाए तो जितनी भी पीआर एक्टिविटीज़ की जा रही थी एनसीबी की इमेज खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक खुलासे ने सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख दिया है। और ये शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तीसरी सुनवाई 20 तारीख को होने वाली है, बेटा कई दिनों से लगातार जेल में ही पड़ा हुआ है और तो और किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही है। अब तक एनसीबी के सारे दाव आर्यन खान केस में सही जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता गया और एनसीबी ने कोर्ट के सामने सारी चीज़ें प्रूव कर दी तो मैं बता दूं कि आर्यन खान बहुत लंबे समय तक जेल में ही सड़ सकता है। तो ये थी एक बहुत बड़ी जानकारी जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।